दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे द 100 मैंस मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा ट्रेंट वर्सेस ओवल के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में सबसे पहले सैम बिलिंग्स का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको नंबर 4 के आसपास ये बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं। अगर हम परफॉर्मेंस भी देखें इनका किस टाइप का रहता है, इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लास्ट मैच में तो खैर बैटिंग नहीं आई थी, उससे पहले 5 रन इन्होंने करे, 24 रन करे, 17 रन इन्होंने करे, 2 रन करे। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है ना, तो ये ज़्यादा अच्छे ऑप्शन आपके लिए होने वाले हैं। इनके अलावा टॉम बेंथन का अभी तक काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है, कुछ मैचेस में फ्लॉप जरूर रहे, बाकी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट रन में 5 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 30 रन करे, फिर 36 रन करे, 16 रन करे, 7 रन करे, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्मॉल लीग में, आप इनको ज़रूर लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ फिर डोनावन फेरिया के बारे में बात करें, एज ए फिनिशर के रूप में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे रहने वाला है, आप चाहो तो रख सकते हो। रीसेंट के 3 मैचेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 11 रन करे थे, और उससे पहले अभी तक इस टूर्नामेंट में एक अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है जिसमें 49 रन इन्होंने करे थे 24 बॉल्स में, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे टॉम अल्सुब एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनको आप रख सकते हो, हार्ड हिटर बैट्समैन है, नंबर 4 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैन में 51 रन करे, उससे पहले डोमेस्टिक वगैरह में एक शतक लगा के आ रहे थे, मतलब 108 रन करे, फिर 4 रन पे आउट हो गए, 11 रन इन्होंने करे, इनको भी आप ट्राई करके चल सकते हो। इनके अलावा यहाँ पे जॉर्डन कॉक्स, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, लास्ट में 61 रन करे, उससे पहले 46 रन करे, फिर 14 रन करे, अगेन 14 पे आउट हो गए, 15 पे आउट हो गए थे, मैं इनको ज़रूर अपनी टीम में लेके चलूँगा। 2 मेरे यहाँ पे विकेट कीपर फिलहाल रहने वाले हैं। बैटिंग में एलेक्स हेल्स का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। देखो अभी तक इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, और लेकिन जिन मैचेस में परफॉर्मेंस आया उसमें ये ओपन करे, काफ़ी आधे से ज़्यादा मैचेस में नंबर 3 पे खेले, और भाई ये नंबर 3 पे इतना अच्छा नहीं करते, क्योंकि ये एक ओपनर है, और ओपनर को अगर नंबर 3 खिलाओगे ना तो वो परफॉर्मेंस नहीं आता। बाकी रीसेंट में 9 रन इन्होंने करे, 15 रन करे, 68 रन इन्होंने करे, और 23 रन इन्होंने करे, 38 रन इन्होंने करे, अभी तो ओपन कर रहे तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो रूट भी अच्छे प्लेयर है, ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं कई बार, बाकी बैटिंग तो इनकी अच्छी है। लास्ट रन में जल्दी आउट हो गए 2 रन पे, उससे पहले 16 रन इन्होंने करे, 32 रन करे, 17 रन करे, 33 रन इन्होंने करे, कभी कभी बॉलिंग भी करवा लेते, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेविड मलान एक अच्छे प्लेयर है, कुछ मैचेस में आउट जरूर हो गए जल्दी, रीसेंट में 29 रन करे, 14 रन करे, 7 रन करे, 38 रन इन्होंने करे, 17 रन इन्होंने करे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे टॉम का ऑप्शन होने वाला है, बट यार बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप 3 बैट्समैन के साथ चल सकते हैं। ऑलराउंडर में सैम करन एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, जो कि नंबर 5 पे बैटिंग भी कर लेते, प्लस बॉलिंग भी करवा लेते, कैप्टनसी भी आप इनको दे सकते हो। लास्ट 5 मैचेस में इस टूर्नामेंट के अभी तक तो भाई दमदार परफॉर्मेंस आए, खासकर अगर आप बॉलिंग देखोगे ना तो बॉलिंग से ऑलमोस्ट हर मैचेस में विकेट निकालते हुए आए, 14 विकेट निकाल ली लास्ट 5 मैचेस में, और बैटिंग से भी 35 रन करे, रीसेंट में 68 करे, 51 रन करे, तो फॉर्म में चल रहे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विल जैक के बारे में बात करें, अभी तक वो टूर्नामेंट हमें इनका नज़र नहीं आया, बॉलिंग ज़रूर करवा लेते लेकिन बैटिंग से इतना अच्छा कभी
रहा नहीं है, बहुत कम परफॉर्म कर पाए। रीसेंट में 2 रन पे आउट हो गए, 6 पे आउट हो गए, 41 रन करे, 2 रन करे, 7 रन करे, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये बॉलिंग से ज़्यादा आए क्योंकि विकेट निकाला इन्होंने, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बॉलिंग से विकेट निकाल के दे सकते, इसलिए हम इनको रख रहे। बाकी बैट्समैन तो चल गए तो भाई अच्छे है ही। टॉम करन के बारे में बात करें, पहले टीम बॉलिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, पहले टीम बैटिंग करे तो ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो। अभी तक 2 मैचेस में 6 विकेट निकाले, बट उससे पहले इतना अच्छा फॉर्म इनका रहा नहीं था, आप इनको लेके चल सकते हो। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होने वाले, इमाद वसीम, अगर आप सामने ओवल की टीम से देखते हो, विल जैके, डेविड मनान है, जॉर्डन कॉक से, तो हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो इमाद वसीम को विकेट मिल सकता है। लास्ट रन में तो ओवर पूरे करवाए नहीं थे, रीसेंट के 5 मैचेस में 5 विकेट निकाले, और अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो अगर आप इमाद वसीम को रखते हो तो सामने डेविड मलान, विल जैक को ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मैं इनको लेके चल रहा हूँ। बाकी लूक का ऑप्शन होने वाला है, बट यार बैटिंग ऑर्डर देखो थोड़ा नीचे हो जाता है, और बॉलिंग से इतना अच्छा अभी तक रहा नहीं है, रीसेंट के 5 मैचेस में 2 विकेट निकाले, पहले टीम बैटिंग करती है तो अच्छे ऑप्शन है। बाकी रोमन पवेल को भी अगर फर्स्ट इनिंग्स में रखोगे, यानी पहले इनकी टीम बैटिंग करती है, तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले। मैं फिलहाल 4 ऑलराउंडर रख रहा हूँ। वहीं बॉलिंग के बारे में बात करें, एडम जैम्पा एक अच्छे प्लेयर है जो कि कंटिन्यू विकेट निकाल रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है एडम जैम्पा को आप ज़रूर अपनी टीम में रखिए। लास्ट रन में भी शानदार 4 विकेट निकाले, और रीसेंट के 5 मैचेस देखोगे कंटिन्यू विकेट निकाले, 11 विकेट इन्होंने निकाले। राशिद खान तो खैर है नहीं अभी, बाकी शॉर्टर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट मैच में कुछ इतना खास रहा नहीं है, लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं। ल्यूक वुड, इनके कई बार ओवर कट जाते, विकेट आप ट्राई कर सकते हो, रीसेंट के 5 मैचेस में 5 विकेट निकाले, अगर आप इनको रखते हो तो सामने वाली टीम के ओपनर को ज़रूर ड्रॉप करिएगा, ओवल के किसी ना किसी को, क्योंकि उनका विकेट ये निकाल के दे सकते हैं स्टार्टिंग में। इनके अलावा सैम कुक, अगर पहले इनकी टीम बॉलिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग करवाते हैं, लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले हैं। इनके अलावा क्रिस ग्रीन एक और आपके पास गेम चेंजर ऑप्शन होने वाले हैं, स्पिनर है, विकेट निकाल के दे सकते हैं। लास्ट मैच में कुछ खास नहीं रहा, विकेट नहीं निकाल पाए, बाकी कुछ मैचेस में अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था स्टार्टिंग के इस टूर्नामेंट के, तो आप रख सकते हो। जॉनसन, पहले टीम बॉलिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले, उस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हो, लास्ट 5 मैचेस में हालांकि सिर्फ 1 विकेट अभी तक ये निकाल पाए। इनके अलावा यहाँ पे टर्नर भी ओपन में बॉलिंग डालते हो, भाई इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, और वैसे विकेट टेकर बॉलर भी है। रीसेंट के 5 मैचेस अगर आप देखोगे 13 विकेट इन्होंने निकाले। मैं यहाँ पे फिलहाल टर्नर को रखूँगा और एडम जैम्पा के साथ चलूँगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन, देखो कैप्टन आप सैम करन के साथ जा सकते हो, मुझे लगता है एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखो विल जैके जो कि बॉलिंग भी करवा लेते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो, ये मुझे थोड़े से रिस्की लगते हैं। मैं इस मैच में वाइस कैप्टन थोड़ा जो रूट को करूँगा, क्योंकि ये ऐसे सेफ प्लेयर लगते हैं, हालांकि अभी तक परफॉर्म इतना अच्छा रहा नहीं है बैटिंग से, लेकिन रन करके दे सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।